आज हम वेक्टर्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ में वो सब क्वांटिटीज़ शामिल हैं जिनको आप मेयर कर सकते हैं, जिनकी आप क्वांटिटी बता सकते हैं, उनको क्वांटिफाई कर सकें, इसके लिए जिनकी आप मिकदार मालूम कर सकें। और फिज़िकल क्वांटिटीज़ की टू बेसिक टाइप्स हैं, एक स्केलर्स और वेक्टर्स। अब स्केलर्स में वो सब फिज़िकल क्वांटिटीज़ शामिल हैं जिनको अपनी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए एक नंबर और एक यूनिट की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपसे पूछती हूँ कि किसी भी जगह का, पर्टिकुलर इलाके का टेम्परेचर क्या है, तो आप मुझे बताएं 25 डिग्री सी। या मैं आपसे पूछूं कि टाइम क्या हुआ है, 3:30 PM फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको आप डिस्क्राइब करते हैं एक नंबर से और एक यूनिट से। नंबर प्लस यूनिट को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। दूसरी स्केलर क्वांटिटीज़ की एग्ज़ाम्पल्स में स्पीड शामिल है, डिस्टेंस, लेंथ, मास एक्सेट्रा। ये सब वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको सिर्फ एक मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, एक नंबर और एक यूनिट चाहिए होता है कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए। और दूसरी तरफ वेक्टर वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको एक नंबर, एक यूनिट और डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, सिम्थ की ज़रूरत होती है। किसी भी वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए आपको ये बताना पड़ता है कि वो किस डायरेक्शन में है। मिसाल के तौर पर, ये एक दरवाज़ा है, अगर मुझे इस पर फोर्स लगानी है तो मेरे पास मल्टीपल डायरेक्शंस हैं कि किसी भी तरफ से मैं इस पर फोर्स लगा लूँ। मैं इस तरफ से इस पर फोर्स लगा सकती हूँ, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, पुश पुल एक्सेट्रा, बहुत सारी डायरेक्शंस हैं। तो अगर मुझे 25 न्यूटन फॉर एग्ज़ाम्पल फोर्स लगानी है, तो मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि वो किस डायरेक्शन में है, फॉर एग्ज़ाम्पल अपवर्ड्स। तो एक नंबर, एक यूनिट जिसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और एक डायरेक्शन, तीन चीज़ें कम्प्लीटली डिस्क्राइब करती हैं एक वेक्टर को। इसी तरह आप एक जगह से दूसरी जगह जाएं 25 मीटर्स पर सेकेंड के साथ, ये आपकी स्पीड है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी वेलोसिटी क्या है, तो आपको डायरेक्शन भी देना पड़ेगी, 25 मीटर्स पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट। दूसरी वेक्टर्स की एग्जांपल्स में एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है जिसमें आप डिस्टेंस विद डायरेक्शन बताते हैं, और दूसरी एग्जांपल्स हैं। वेक्टर को ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं एक स्ट्रेट लाइन से और एक एरोहेड से। ये स्ट्रेट लाइन इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, किसी भी सूटेबल स्केल के अकॉर्डिंग ये लाइन जो है ये हमें मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बताती है। और ये एरो हेड जो है ये डायरेक्शन स्पेसिफाई करता है, सिम्थ बताता है वेक्टर, ये किस सिम्थ में वेक्टर, वेक्टर ये क्या डायरेक्शन है। और लिखने के लिए हम वेक्टर को या बोल्ड लेटर में लिखते हैं, उसको थोड़ा सा मोटा करके, या हम उसके ऊपर एक एरोहेड डालते हैं या उसके नीचे एक एरोहेड डाल देते हैं। इसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब हम देखते हैं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। वेक्टर्स को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में शो करते हैं। और इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि टू लाइंस जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाती हैं, ठीक है। जस्ट फॉर द कन्वेंशन रीजंस हम हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं।
राइट साइड पे प्लस एक्स होता है, लेफ्ट साइड पे माइनस एक्स होता है, अपवर्ड्स प्लस वाई है और डाउनवर्ड्स माइनस वाई है. सो एक वेक्टर को और द पॉइंट जहां पर एक्स और वाई आपस में मीट करते हैं इसको हम ओरिजिन बोलते हैं. इस पर जीरो जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू जीरो होती है. सो जब हम वेक्टर्स को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इसका नाम है में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम वेक्टर को ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं. इस वेक्टर की लेंथ, लेंथ ऑफ दिस लाइन हमें मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर देता है और एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल थीटा, ये हमें डायरेक्शन देता है. एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस जस्ट फॉर द कन्वेंशन रीजंस. इस लाइन को, ये जो लाइन है, हम वेक्टर की रिप्रेजेंटेटिव लाइन बोलते हैं. एक लाइन जो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हो. इस वेक्टर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे, लेट्स से यहां तक जीरो से लेकर यहां तक ए यूनिट्स हैं, तो ए इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस वेक्टर. लेट्स से दिस इज अ वेक्टर ए, कैपिटल ए. ठीक है, मैंने इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे, जिस पॉइंट पे ये मीट करता है लेट्स से वो ए है. तो जीरो से ए तक ए यूनिट्स आते हैं हमारे पास, ए एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए है. इसी तरह अगर मैं इस पॉइंट से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं और ये पॉइंट बी है, तो बी वुड बी वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए, वेक्टर ए. ठीक है, सो इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स अगर हम वेक्टर ए को डिस्क्राइब करें तो हम ए ए बी, ये एक्स कोऑर्डिनेट है ए का, ये वाई कोऑर्डिनेट है ए का. ए ए बी, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट जिसको मैंने काफी बोल्ड कर दिया है, दिस पॉइंट इज ए ए बी, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ये ए यूनिट्स है और वाई एक्सिस पे ये बी यूनिट्स है. इसकी हम एग्जांपल लेते हैं. एक फॉर एग्जांपल हमारे पास है फोर्स, फोर्स का एक वेक्टर है जिसे कोऑर्डिनेट्स हैं लेट्स से 3, 4. ठीक है, तो इसको हम ऐसे प्लॉट करते हैं इसकी रिप्रेजेंटेटिव लाइन वेक्टर की, जीरो से लेके एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट्स 1, 2, 3 और वाई एक्सिस पे 4 यूनिट्स 1, 2, 3, 4. ये दो लाइंस आपस में जहां मीट करती हैं, ये वो पॉइंट है F3, 4. इसको अगर हम ओरिजिन से ज्वाइन करें एक स्ट्रेट लाइन से, तो ये हमारे पास फोर्स का वेक्टर आ जाता है और इसकी डायरेक्शन थीटा हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से निकाल सकते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे. इस तरह की रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं कि वेक्टर को हम रेक्टेंगुलर या कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्क्राइब कर रहे हैं. स्पेस में जब हम किसी वेक्टर को डिस्क्राइब करते हैं तो हमें थ्री एक्सिस चाहिए होते हैं, राइट लेफ्ट अप डाउन और इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स. ठीक है, तो हम स्पेस में डिस्क्राइब करने के लिए थ्री परपेंडिकुलर वेक्टर्स यूज करते हैं. लेट्स से दिस इज द परपेंडिकुलर वेक्टर, ये जो वेक्टर है ये इट्स कमिंग आउटसाइड द स्क्रीन. ठीक है, तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं एक्स वाई जी. स्पेस में जब आप किसी वेक्टर को डिफाइन करते हैं तो फिर उसके लिए थ्री कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं. लेट्स से अब हमारे पास अगर कोई फोर्स है, वेक्टर एफ है, तो उसके थ्री कोऑर्डिनेट्स होंगे ए बी सी. ए इज एक्स कोऑर्डिनेट, बी इज वाई कोऑर्डिनेट एंड सी इज
जी कोऑर्डिनेट। तो एफ को हम तीन पॉइंट से अब डिस्क्राइब करते हैं, ए बी सी। ये उस वक्त है जब हम किसी वेक्टर को स्पेस में रियल टाइम में थ्री डायमेंशनल में डिस्क्राइब कर रहे हो, तो उसकी रिप्रेजेंटेटिव लाइन जो है, फॉर एग्जांपल ये अगर अब मैं रिप्रेजेंटेटिव लाइन है एफ की, तो ये पॉइंट एफ ए बी सी होगा अगर ये एक्स वाई जी एक्सिस है और ये ओरिजिन है। अब हम जो प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वेक्टर्स की वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। यानी आपको अगर दो वेक्टर्स गिवन हो तो उनको आपस में ऐड कैसे करते हैं। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स एक सिंपल रूल फॉलो करती है जिसे कहते हैं हेड टू टेल रूल। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ये ए है ये बी है, और इन दोनों को ऐड करना है, हमें ए प्लस बी फाइंड करना है। तो हेड टू टेल रूल के कुछ स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप इज के ड्रॉ रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ ए। अब रिप्रेजेंटेटिव लाइन हमने पहले डिस्कस किया कि वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और जिस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं वो उनकी रिप्रेजेंटेटिव लाइन होती है। सो ये एक्स है, दिस इज वाई, ये ओरिजिन है। ए की रिप्रेजेंटेटिव लाइन वो लाइन है जो ए को हम ओरिजिन से स्टार्ट करके सेम डायरेक्शन और सेम लेंथ में रखते हुए यहाँ ड्रॉ करें, ये ए। सो ये रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ ए हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है। सेकेंड स्टेप है ड्रॉ बी। बी की रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है सच दैट टेल ऑफ बी कोइंसाइड्स विद हेड ऑफ ए। सो बी की रिप्रेजेंटेटिव लाइन आपने ऐसे ड्रॉ करनी है कि बी की टेल, ये बी की टेल है, और ए का हेड, ये आपस में कोइंसाइड करें। यहां से रख के आपने बी को ड्रॉ किया, ये बी है, सेम डायरेक्शन सेम लेंथ, ठीक है। थर्ड स्टेप इज के रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर वो है जो एडिशन का आंसर है, ए प्लस बी। रिजल्टेंट वेक्टर इज द वेक्टर ज्वाइनिंग टेल ऑफ ए एंड हेड ऑफ बी। ऐसा वेक्टर जो ए की टेल और बी के हेड को आपस में ज्वाइन करता है, ये एक स्ट्रेट लाइन से हमने इनको ज्वाइन किया और इसकी डायरेक्शन ए की टेल से बी के हेड की तरफ है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है ए प्लस बी, ठीक है। ऐसा वेक्टर जो ए की टेल को बी के हेड से ज्वाइन करता है वो रिजल्टेंट वेक्टर है ए प्लस बी, और इसकी डायरेक्शन आप देखें तो बी के हेड की तरफ है, ए की टेल से स्टार्ट होकर बी के हेड की तरफ जाता है। सो ये है वेक्टर एडिशन। सब वेक्टर्स नॉर्मली इसी तरह ऐड हो जाते हैं फॉलोइंग हेड टू टेल रूल। फॉर एग्जांपल अगर हमें बी प्लस ए फाइंड करना है तो यही स्टेप्स फॉलो करते हुए हम देखते हैं कि बी प्लस ए कैसे फाइंड होगा। बी प्लस ए फाइंड करने के लिए हम पहले बी को ड्रॉ करेंगे, ये हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया एक्स वाई। अब हम पहले बी को ड्रॉ करेंगे ओरिजिन से स्टार्ट करके, ये हमने बी ड्रॉ किया सेम डायरेक्शन सेम लेंथ। अब ए को ऐसे ड्रॉ करेंगे कि ए की टेल बी के हेड के साथ ज्वाइन करे, ये हमने ए ड्रॉ कर दिया। अब हमारा रिजल्टेंट क्या है जो बी की टेल को ए के हेड से ज्वाइन कर रहा है, नाउ दिस इज बी प्लस ए। बी की टेल को ए के हेड से ज्वाइन कर रहा है, उसकी डायरेक्शन बी की टेल से ए के हेड की तरफ है। फिगर वन और फिगर टू से ये ऑब्वियस है कि ए प्लस बी और बी प्लस ए हमेशा सेम होते हैं, सेम लेंथ सेम डायरेक्शन, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसको हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, और वेक्टर्स इस लॉ को फॉलो करते हैं। यानी वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव है, ए प्लस बी हमेशा बी प्लस ए के इक्वल होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का। यानी अगर आपने एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर्स में से सब्ट्रैक्ट करना है, आपने बी को सब्ट्रैक्ट करना है ए में से, ए माइनस बी। सो ए माइनस बी
इज सेम एज अगर आप बी का नेगेटिव वेक्टर लें और उसको ऐड कर दें ए में. ए माइनस बी ऐसे ही है जैसे आप बी का नेगेटिव वेक्टर लें और उसको ए में ऐड कर दें. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये बी है तो इसका नेगेटिव वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसका सेम मैग्नीट्यूड है और ऑपोजिट डायरेक्शन है. यानी ये अगर बी है तो इसका नेगेटिव वेक्टर माइनस बी ये वेक्टर है, सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन. और अब आप ए प्लस बी ए माइनस बी कैसे फाइंड करेंगे? माइनस बी को ये जो हमने अब ड्रॉ किया माइनस बी को आप ऐड कर देंगे ए में सेम हेड टू टेल रूल से. ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जैसे फॉर एग्जांपल हमारा पिछले एग्जांपल में ए ये था, दिस इज ए, और ए माइनस बी अब क्या होगा कि ए प्लस माइनस बी. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया, एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई, ये हमारे पास ए है, ए को हमने ड्रॉ किया, स्टेप वन था रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ ए. ए की रिप्रेजेंटेटिव लाइन सबसे पहले हमने ड्रॉ की. ये सेकेंड स्टेप क्या है कि ड्रॉ बी सच दैट टेल ऑफ बी कोइंसाइड्स विद हेड ऑफ ए. अब हमने क्या करना है कि बी जो अब माइनस बी है उसको ऐसे ड्रॉ करना है कि इसकी टेल और ए का हेड कोइंसाइड करे. यहाँ पर आके आपने इस पॉइंट पर बी को ड्रॉ करें ऐसे, सेम लेंथ सेम डायरेक्शन. ये है माइनस बी, ये था ए और ये है माइनस बी. ठीक है, और थर्ड स्टेप क्या था कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ऐसा वेक्टर है जो टेल ऑफ ए और हेड ऑफ बी को ज्वाइन करता है. सो टेल ऑफ ए और हेड ऑफ बी ये वेक्टर, ये है हमारे पास ए माइनस बी या ए प्लस माइनस बी, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है. इसको हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर. एक वेक्टर का नेगेटिव लेके दूसरे वेक्टर में ऐड कर देते हैं. जिस वेक्टर को आपने एक दूसरे वेक्टर से सब्ट्रैक्ट करना है उसका नेगेटिव लेके पहले वेक्टर में ऐड कर दे. लास्ट कॉन्सेप्ट जो आज हम देखेंगे वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर. अब एक वेक्टर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तो एक पॉजिटिव नंबर से या एक नेगेटिव नंबर से या एक फिजिकल क्वांटिटी से. और फिजिकल क्वांटिटी जो हमने बहुत लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में डिस्कस किया था, एक स्केलर हो सकती है या एक वेक्टर हो सकती है. अब जब आप एक पॉजिटिव नंबर से एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल एन एक नंबर है और ए एक वेक्टर है ये, तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब है सेम डायरेक्शन और एन टाइम्स मैग्नीट्यूड. फॉर एग्जांपल अगर ये ए है, ये ए था, तो टू ए क्या होगा? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ट्वाइस है ए से दो गुना है. ठीक है, ये टू ए है हमारे पास. इसी तरह थ्री ए क्या होगा? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ए से तीन गुना है, ये थ्री ए है. जब हम एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ए को तो क्या होता है? एन टाइम्स मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट डायरेक्शन. जैसे ये वेक्टर जो है ये माइनस थ्री ए है, इसी तरह ये वेक्टर जो है ये माइनस टू ए है. डबल मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट डायरेक्शन. जब हम फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं एक वेक्टर को
तो हमारे पास रिजल्ट में एक और फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है। इसको हम डिटेल में अगले लेक्चर्स में देखेंगे।